नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शुभाना अनवर। वक्त हो चुका है आज के यूपी की टॉप 10 फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के 122 करोड़ रुपए की 177 विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कला, संस्कृति, अध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर में विकास की हरास पूरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार जिस नए गोरखपुर को आकार दे रही है उसमें हर गली में विकास की रोशनी से रोशन होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी का नाम लिए बगैर अपने विरोधियों पर पार्टी के मूवमेंट को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विरोधियों के इशारे पर बाबा साहेब के नाम पर बने अनेकों संगठन और पार्टियां असल में बसपा के मूवमेंट को कमजोर करने के लिए हैं। ये संगठन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रदेश के सभी नागरिक में खाने का सामान बनाने व बेचने वाले दुकानदारों से लिखित आश्वासन ले कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करेंगे और मास्क नहीं पहनने वाले किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देंगे, ना ही उन्हें दुकान में आने देंगे। कोर्ट ने पुलिस को स्वयं मास्क पहनने और लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया है। संसद में पारित कृषि अध्यादेश के विरोध में बुलाई गई रालोद की महापंचायत अब हाथरस में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महारैली में परिवर्तित हो गई है। रालोद की इस महारैली को लोकतंत्र बचाओ मुजफ्फरनगर चलो के नारे के साथ आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि महरौली में कांग्रेस, सपा, जनता दल, इनेलो आदि पार्टी के नेताओं के साथ ही समस्ताप चौधरी भी शामिल होंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कोविड 19 महामारी के दौरान होने वाले निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य स्टार प्रचारकों के मानक को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय दलों के स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 और अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के लिए यह सीमा 20 के स्थान पर अधिकतम 15 होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 95 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट कर इसे जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि कानपुर नगर वासियों को सुगम व सुरक्षित परिवहन माध्यम उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 95 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपनी झूठ की फसल को लहलहाने में छल प्रपंच का खाद पानी देती है, फिर समझती है कि जनता उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगी, पर हकीकत में अब भाजपा की कोई चाल सफल होने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई भाजपा सरकार को सन 2022 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर देना है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से वीडियो नोट्स की सुविधा दी जाएगी। यह नोट्स विभाग की ओर से बनाई जा रहे वीडियो के आधार पर दी जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को यह नोट्स बोर्ड परीक्षा से पहले मददगार साबित होंगे। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। यह वीडियो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनवाए जा रहे हैं। लखनऊ में वायु प्रदूषण में गुरुवार की तुलना में 10 पॉइंट की कमी आई है, लेकिन यहाँ की हवा दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित है। आपको बता दें कि लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड हुआ। टीजीटी शिक्षक भर्ती से जुड़े कई मसलों को लेकर गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में लंबित भर्तियों पर अहम निर्णय लिए गए। बोर्ड की बैठक में टीजीटी हिंदी विषय का इंटरव्यू 6 नवंबर से शुरू कराने पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। तो ये थी आज की यूपी की टॉप 10 फटाफट खबरें। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।